हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करेंगे और उस एप्लीकेशन को डिस्कस करूंगा मैं कि जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे मेटल होंगे जो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेंगे और वो कौन से ऐसे मेटल्स होंगे जो हाइड्रोजन इवोल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे ही नहीं। तो किस तरह से हम पता लगाएंगे उन मेटल्स के बारे में जो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेंगे और वो कौन से मेटल होंगे जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे और हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी वहाँ पर, तो किस तरह से हम पता लगाएंगे व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व। तो कोई भी मेटल होगा जो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा वो हाइड्रोजन गैस वहां पर इवोल्व होगी। तो किस तरह से रहेगी वो रिएक्शन मेटल और एसिड के बीच में, और हमें पता है एसिड्स गिव्स एच प्लस आयन्स और यही H प्लस आयन्स रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, और जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। तो इस तरह से यहाँ पर 2H प्लस आयन्स होंगे और जब मेटल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मेटल आयन के ऊपर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है जब हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई है और H प्लस आयन्स का रिडक्शन हुआ है, और ये रिएक्शन तभी होगी जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगा। तो इस केस में मेटल्स का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। सो फॉर दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज नेसेसरी। तो मेटल का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखेंगे जिसमें हमने सभी मेटल्स को अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, तो उन मेटल्स की हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की हेल्प से ये पता लगाएंगे कि कोई पर्टिकुलर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी और कौन सा ऐसा मेटल होगा जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और उस केस में हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी। तो जैसा हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उनमें सभी मेटल्स को अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, या उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाएगा और वो ऑर्डर होगा उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज का। तो यहाँ मैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखूँगा उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने उन मेटल्स को अरेंज किया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो किस तरह से रहेगी वो अरेंजमेंट, लिथियम पोटेशियम बेरियम 2+ कैल्शियम 2+ सोडियम मैग्नीशियम 2+ एल्यूमिनियम 3+ मैग्नीज 2+ वाटर का रिडक्शन होगा यहाँ पर जिंक 2+ क्रोमियम 3+ आयरन 2+ कैडमियम 2+ कोबाल्ट। इस तरह से आगे दूसरे मेटल्स आएंगे और यहाँ पर H प्लस आयन्स आ जाएंगे। H प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 और इसके लिए क्या रहेगी 0.00
वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इन सभी मेटल्स की यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर इन सभी मेटल्स के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। इसके बाद आएगा कॉपर 2+, Fe3+, Mercury 2+ और Silver+ आयन और Gold 3+ आयन। तो जो ये मेटल्स रहेंगे यहाँ पर इनकी पॉजिटिव वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। और जो ये मेटल्स रहेंगे H+ आयन से ऊपर इन सभी मेटल्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से हम पता लगाएंगे कि कोई मेटल, ये मेटल क्या H+ आयन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेंगे, क्या ये मेटल H+ आयन ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेंगे। तो इस केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहेगा उसके लिए ये मेटल एनोड का काम करेगा। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी मेटल के लिए वो रहेगी उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये किसके लिए रहेगी, फॉर मेटल्स। और H+ आयन के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी वो होगी 0.0। और इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से फाइंड आउट करके उसका यूज़ करेंगे। तो जब हम इसके लिए स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड रहेगा। और इसमें जो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सेल का है वो रहेगा, और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन सेल रहेगा वो रहेगा E0 कैथोड, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग H+ आयन का रिडक्शन हो रहा है। और जो मेटल इलेक्ट्रोड हम लेंगे वो एक एनोड का काम करेगा क्योंकि वहाँ पर मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, अगर करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, और अगर वो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी। तो किस तरह से पता लगाएंगे हम E0 सेल की हेल्प से, अगर E0 सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव मिलती है देन द मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस। अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा जब उस सेल के लिए स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल नेगेटिव आती है तो उस केस में वो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी। तो अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मेटल जब भी हाइड्रोजन आयन्स के साथ रिएक्शन करेगा जो मिलेंगे हमें फ्रॉम एसिड, और ये मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर ऑक्सीडेशन, और उस केस में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी और मेटल ये काम करेगा एनोड का, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा जो वो काम करेगा
कैथोड का, तो अगर ई नॉट सेल इस पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अगर पॉजिटिव होगी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, अगर उस पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो नो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, क्योंकि उस केस में वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी ही नहीं। और जो फर्स्ट केस हमने लिया है, क्योंकि यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी इस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी, और इस पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज फॉर डिफरेंट मेटल्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे जिंक मेटल का, और जिंक मेटल जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा या H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो H प्लस आयंस के साथ वो रिएक्शन करेगा। तो H प्लस आयंस कहाँ से आए हैं, अपने एसिड से, और जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और H2 गैस वहाँ पर इवॉल्व होगी। तो जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो रहेगी -0.76 वोल्ट, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0.00 वोल्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जिंक इलेक्ट्रोड के लिए लो वैल्यू रहेगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो हाई होगी। तो जिंक इलेक्ट्रोड काम करेगा एनोड का और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम करेगा कैथोड का, तो ये जो वैल्यू है ये रहेगी ई नॉट कैथोड और ये रहेगी ई नॉट एनोड। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, तो क्या होगा वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और कैथोड के लिए वैल्यू क्या है 0.00 वोल्ट, और एनोड के लिए क्या वैल्यू है -0.76 वोल्ट। तो हमारे लिए यहाँ पर जब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू आती है 0.76 वोल्ट, और ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव रहेगी ई नॉट सेल के लिए। सो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल के लिए, तो वो रिएक्शन हो जाएगी किस किस के बीच में, बिटवीन मेटल एंड एसिड, और उस रिएक्शन से इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हमने देखा कि कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगा उस मेटल के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होनी चाहिए, इसका मतलब वो मेटल उस हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम मेटल्स को अरेंज कर रहे हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज में। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे एक ऐसे मेटल का जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो उस केस में हम देखेंगे कि क्या वो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, इसका मतलब क्या वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी या नहीं होगी। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे सिल्वर मेटल के लिए जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और वो कितनी रहेगी 0.80 वोल्ट। आप और कुछ भी ले सकते हो, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, वहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है 0.34
गोल्ड तो कोई सी भी ले सकते हैं, अगर हम सिल्वर मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन इस तरह से हम शो करेंगे, और इसके लिए हम टू सिल्वर एटम्स यूज करेंगे ताकि दो इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज कर दे, और वही दो इलेक्ट्रॉन्स ये दो एच प्लस आयन्स एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर ले। तो हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करने के लिए हमें इस रिएक्शन को इसी तरह से लिखना पड़ेगा, और इसके बाद इस पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस रेडॉक्स रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर इलेक्ट्रोड काम करेगा एनोड का, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वहाँ पर वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम करेगा कैथोड का, क्योंकि एच प्लस आयन्स का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए सिल्वर एनोड होगा और एच प्लस आयन्स का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम एज ए कैथोड यूज करेंगे। किसके लिए? उस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को कैलकुलेट करने के लिए। और जैसा हमें पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0.00 वोल्ट, तो ये रहेगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ई नॉट कैथोड, और ये रहेगा उस सेल के लिए ई नॉट एनोड। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, और उसके लिए फॉर्मूला रहेगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पर हम ई नॉट कैथोड की वैल्यू पुट करेंगे 0.00 वोल्ट, और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है एनोड के लिए वो रहेगी 0.80 वोल्ट। तो यहाँ पर माइनस में हमें वैल्यू मिलती है वो कितनी है, -0.80 वोल्ट। और यहाँ हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, और यही नेगेटिव वैल्यू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल की हमें बताएगी कि इस डायरेक्शन में ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी ही नहीं। सो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, इट मीन्स नो हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व। तो हाइड्रोजन गैस भी वहां पर इवोल्व नहीं होगी। इसी तरह से किन्हीं दूसरे मेटल्स के लिए भी हम ये पता लगा सकते हैं कि वो मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए भी हम इन मेटल्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज का यूज करेंगे, और सभी केस में अपनी रिएक्शन यही रहेगी, मेटल को हम रिएक्ट करवाएंगे एच प्लस आयन्स के साथ, जिससे हमें शो करना होगा ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एंड रिडक्शन ऑफ एच प्लस आयन्स। और उन सभी रेडॉक्स रिएक्शन में मेटल एनोड की तरह बिहेव करेगा, और एच प्लस आयन्स जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम लेते हैं वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। तो वहीं से हम पता लगाएंगे उस पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल किसी पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अगर पॉजिटिव होगी तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो बताती है कि नो हाइड्रोजन गैस
इज इवॉल्व। तो यहीं से हम पता लगाएंगे कि कोई पर्टिकुलर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा।